श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूपों के मामले में वख-वख जथेबंदियों वालों श्री अकाल तख्त साहिब विखे एकत्रता की गई, जिस में गर्म ख्याली जथेबंदियों के नुमाइंदे भी हाजिर हुए। इस मौके सरबत खालसा के मुतवाजी जथेदार भाई ध्यान सिंह मान ने कहा कि श्रोमणी कमेटी को एक एक पावन स्वरूप का हिसाब देना पवेगा, जेकर वह अजिहा नहीं करती तो सिख संगत के गुस्से का सामना भी करना पवेगा। उन्होंने कहा कि संगतान ने वोटा पा के तो अपना फर्ज निभा दिता है, तो इन्हों स्वरूपों की सामभ संभाल करना तो हूँ श्रोमणी कमेटी का फर्ज है। बड़ी स्पष्ट जी गल के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ईमानदारी के नाल इस रूप एक एक का हिसाब किताब देना पैदा कितने गए ने कितने पे ने बेअदबी हुई है जां वेचे ने ये संगत का कोई कसूर नहीं गा जी अच आई संगत ने तो वोटा पा के सेवा दी ये सामभ संभाल करनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फर्ज है। तो फिर अं अज पुछते हैं मैं उस दिन भी कह के गया कि छेती छेती हिसाब किताब दे दो सिख संगत खालसा पंथ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता पर इन्हें कन्न से जो नहीं सर कभी जथेदार को फैसला कभी श्रोमणी कमेटी को फैसला कभी तुम्हें जांगा चुक लिया कभी तुम्हें गेट बंद कर ले ये कोई तरीका ठीक नहीं है। जरा लोकतंत्र का तीजा थम होंगी है प्रेस उन्होंने भी तुम नहीं बख्शते की गल है जो तुम सच्चे हैं प्रेस में आवाज मारो कि आओ तुम देखो कौन सच्चा कौन झूठा है जिहड़े प्रदर्शन कर रहे हैं वो झूठे ने ये फैसला तो प्रेस ने करना होता प्रेस की गल पूरी दुनिया को जानती जी अज इतने नहीं आ रहे जी अज इतने हाजिर नहीं डे टू डे बैठे थे संगत उन्होंने तो प्रेस के जरिए मीडिया के जरिए पता लगना पर यह तरीका है। सो कोई गल नहीं सारा पंथ अज इकट्ठा हो रहा है तो कोई पंथ के हक में कौम के हक में जो फैसला लवेंगे उस फैसले के मुताबिक पंथ के सामने कौम के सामने ये तो कोई भी चीज़ नहीं है जेडे अहदेदार ने मुलाजमान का कोई कसूर नहीं है। जे श्रोमणी कमेटी ने सज़ा देने की भी गल की तो छोटे मुलाजमान जिम्मेवार कुर्सियों के उत्ते बैठे जड़े ने कोई भी एड्डी वड्डी गल नहीं पंथ नाल कुछ नहीं वड्डा होंदा। असं अज भी कहने कि प्यार दे नाल आओ सारे तुम साढ़े आके अपनी गलती मनो तो आके दसो कि साढ़े तो गलती तो पंथ सू सजा लवे जो माफ़ करे फिर पंथ बचूगा की करना। सो इस करके अज अं आए हैं सारिया जथेबंदी।